बहुत बढ़िया फ्रेश केसी कॉलेज गए आप लोग जी, केसी गए, नेशनल गए, इट्स अमेजिंग यार, क्योंकि मतलब हम लोग को एक तो खुद के कॉलेजेस के डेज याद आते हैं और दूसरा ये जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वेरी फ्रेश पीपल, यू नो दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वो आने वाले देश का भविष्य है वो लोग, तो वो लोग बड़े फ्रेश होते हैं, मतलब यू सी फ्रेश एनर्जी इन देम, बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े नॉन करप्ट होते हैं और वो बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं क्योंकि अभी वो क्योंकि इतने फ्रेश हैं तो उनके ऊपर कोई भी लेयर नहीं आई है, हाँ तो अभी बिल्कुल खाली बर्तन की तरह उनमें कुछ भी भर दो, सो इट्स अमेजिंग द वे दे अंडरस्टैंड, द वे दे रिएक्ट, बड़ा सही रहता है और मस्ती भी करते हैं वो लोग। जी वो हो जाती है थोड़ी बहुत तारीफ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, लोग मेरा जो मैं फिल्म के अंदर आया उसका दरवाज़ा भी आवाज़ ही थी, विधु सर की सोच थी, ये जो कैरेक्टर है शिव कुमार धर का, कि उसकी एक सर्टन एक तरीके की आवाज़ होगी, तो वो आवाज़ के ज़रिए ही उन्होंने मुझे बुलाया था, फिर उसके बाद सारे ऑडिशंस हुए, सारी ट्रेनिंग हुई, फिर इवेंचुअली कुछ महीनों के बाद उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया कि हाँ ये शिव कुमार धर है, लेकिन शुरुआत आवाज़ से ही हुई, सो आई एम ग्लैड कि लोगों को आवाज़ पसंद आ रही है। कॉलेजेस काफ़ी फ्रेश, बिल्कुल ऐसा अच्छा लगा, मैं तो मतलब 2.5 years के बाद कॉलेज गई, इससे पहले मैं तो खुद भी कॉलेज में ही थी, तो मुझे तो काफ़ी ऐसा नॉस्टैल्जिया हो रहा था जैसे मेरे कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं, बट उनकी एनर्जी भी बहुत फ्रेश थी और ऐसा लग रहा था जैसे आप यू नो एक तो एक वापस घर आने टाइप की फीलिंग थी और दूसरी इंटरेस्टेड थे वो लोग उनसे बात करके, वो ना दे वो मोर टूवर्ड्स लव देन टूवर्ड्स प्रोपोगेंडा हेट, यू नो दे वो मोर टूवर्ड्स लव एंड एंटरटेनमेंट, सो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी मतलब खुशी हुई। सो अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आप लोगों को, लाइक फिल्म को जो जो लोग देख रहे हैं आपसे? सर एक्चुअली सारे कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ट हैं, देखकर आपसे इंटरव्यू कर रहे थे, क्या बेस्ट सारे कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ट हैं क्योंकि माशाल्लाह इतनी तारीफें सुनने को मिल रही हैं और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो फिल्म हमने बनाई है उसमें बड़े दिल से इन्वॉल्वमेंट रहा है सबका, हम लोगों का, हम लोग मैं शिव रहा हूँ ये शांति रही है, तो बड़े दिल से फिल्म बनाई, तो इस फिल्म में आप अगर ये देखकर हाथ मिला के मुस्कुरा भी देंगे ना कि यार फिल्म देखकर आया, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सो मच ऑफ हार्ट वी हैव पुट इनटू दिस और इससे अच्छी कोई फीलिंग ही नहीं है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो एवरी कॉम्प्लीमेंट काउंट्स, इतना सा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा भी बोल रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही है जब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा नहीं है कि आपने एक्टिंग की है, सब ज़्यादा ये कह रहे हैं कि यार आप मतलब आप सच में, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था व्हेन जेम्स कैमरॉन सेड मास्टरपीस के अलावा, बट व्हेन ही सेड कि कैन शी इवन स्पीक इन इंग्लिश, तो ही वाज सो कन्विंस्ड विद द कैरेक्टर दैट ही सेड कि क्या वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं लाइक, और उस तरह के काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स है जहाँ लोग पूछ रहे हैं क्या ये सच में पंडित ही हैं, क्या ये हैं, ये तो ये उम्र में भी बूढ़ी में बूढ़ी लगते हैं और ये जवान में जवान लग रहे, तो वो मान नहीं रहे कि यू नो ये कुछ और भी है। हम लोग रोज एक घंटा बैठ के दोनों ये कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स ये पढ़ते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, सो इट्स अमेजिंग, कभी कभी बहुत फनी भी कमेंट्स आते हैं, सो इट्स हिलेरियस, आई लव इट। जी हाँ, और मुझे तो नहीं लगता, हमें एक्टिंग के बारे में तो कुछ पता नहीं था, हम लोग न्यू कमर्स हैं, हमने कभी इससे पहले एक्ट नहीं किया है, हमने तो अपने स्कूल में प्ले भी नहीं किया है, तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें सिखाया गया, आप देखिए वीसी अभिजात सर ऑल दीज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट आर सच बिग पीपल, दे आर सो एक्सपीरियंस, तो इन्होंने हमें जो सिखाया हमने उसी को फॉलो किया, मुझे इंदु शर्मा से लेके विधु सर से लेके अभिजात सर से लेके सब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने हमें यही चीज़ समझाई थी कि यू कांट डू इट विदाउट यू कांट लिविंग इट, मतलब यू हैव टू लिव इट, तो हम मेरे दिमाग में इंडिविजुअली और आई एम श्योर इनके दिमाग में भी हमने यही अपने दिमाग में रखा था कि यार बिकॉज हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता एक्टिंग कैसे होती है क्या होता है, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमारे पास एक ही चीज़ है टू ऑफर इन दिस फिल्म इज टू बिलीव एंड टू लिव, तो हम जिए और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, वी कैन ओनली बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। देखिए जब ये फिल्म की स्टोरी हम लोगों को पता चली थी द फर्स्ट टाइम वी वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट, तो ये स्टोरी ऐसी है
कि इसको अगर जिएंगे नहीं तो ये स्टोरी के लिए बड़ा अनफेयर रहेगा. तो मतलब इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस. एंड आई एम नॉट सेइंग प्रेशर, आई एम नॉट सेइंग कि इसकी कोई टेंशन, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज जो कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे. तो ये हम लोगों ने सब ने इस फिल्म के लिए अपने आप को बिल्कुल हम दोनों ने सोशल मीडिया से, इन जगहों से एक्सक्लूड कर लिया था. वी आर नॉट एनी वेयर, हम लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कहीं पर भी नहीं थे. हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे. मैं कश्मीर में रहा 4 महीने, जबकि कैंप में कश्मीरी पंडितों के साथ रहा. इन्होंने भी पूरी की पूरी रिसर्च करी है. तो उसका रीज़न यही था कि अगर हम लोग ये सब नहीं करते और इन कैरेक्टर्स को असली में नहीं जीते तो ये फिल्म के लिए बहुत अनफेयर होता. एंड अ फिल्म लाइक दिस, इट नीडेड अस टू बी लाइक दैट. आप सोचिए, हमने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया से. मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आ गई थी. बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया. स्कूल कॉलेज में मेरे तो लोगों को पता ही नहीं था कि बीच में कहाँ उठ के चली गई. अब जाके ट्रेलर निकला तो लोग बोल रहे ओ, ये इमीडिएट फैमिली को नहीं पता था. मतलब बहुत जब ट्रेलर आया तब मतलब बहुत करीबी लोगों ने, कजिन्स इन लोगों को तब पता चला. फोन करके बोल रहे थे कि यार ये तू है क्या, मतलब ऐसा हुआ. अपनी फैमिली वगैरह इनको पता था. लोग परेशान थे कि अचानक सादिया जो हमारी बहन थी, दोस्ती, ये कहाँ गायब हो गई है. नसर के लिए तो लोग ऊपर से ये तो फेमस भी थे अपने टाइम पे, तो इनको तो और भी ज्यादा लोग ढूंढ रहे थे. तो हम, हमारे साथ तो ऐसा था कि हम बिल्कुल, हम लोग ऐसे बाहर नहीं घूमते थे. हमारी लाइफ बिल्कुल, मतलब अभी भी मैं ये सोचती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि हमने एक्चुअली में ये कैसे कर लिया. बिकॉज सोशल मीडिया नहीं, हम बाहर नहीं घूमते, हम लोग बाहर नहीं जाते थे. हमारा किसी से इंट्रैक्शन ही नहीं होता था. हम 2.5 ईयर से कहते हैं यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री नाउ, वी हैव हार्डली मेट एनीवन. यू नो, जो यहाँ इसी ऑफिस में अगर अनिल कपूर या फिर संजय दत्त या जो लोग आए हम उनसे मिले, बाहर हम लोगों से ही नहीं मिले. हम लोग किसी से भी, इनफैक्ट हमारा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ. तो हम लोग तो बन गए ना शिव और शांति. तो फिर ही तो अब जाके बाहर निकले, अब आंखें खुल रही है और अब रियलाइज हो रहा, अच्छा ठीक है, ये भी होता है, ये भी भूल होता है. इंस्टाग्राम पर स्टोरी कैसे डालते हैं, क्या होता है सब भूल गए. अभी हम दो दिन पहले लगा लगा के पूछ रहे हैं, दो दिन पहले इंस्टाग्राम कैसे क्या करते हैं भूल गए. ये मुझे फोन करके बोल रहे हैं यार वो स्टोरी डाला करते थे हम लोग, स्टोरी कैसे डालते हैं. तो दो दिन पहले हम लोग अभी भी इंस्टाग्राम पे हैं. तो कुछ वो फॉलोवर्स होते हैं वो, हम लोग तो फिर ऐसे हो गए यार, हम लोग एलियन बन गए. वी हैव टू गो बैक टू आवर लाइफ एंड नॉर्मल स्टेट में आना जरूरी है. इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग वी वर ऑफ, एडिटिंग वगैरह जब इस फिल्म में हो रही तब भी हम बिल्कुल ऐसा बैठ गए थे. तो अब जाके थोड़ा होश आया है. तो हमने देखा कि ये इस फिल्म का वो ये वो कमाल है कि कुछ एक और फिल्म में आप लोग को मिल चुकी है, मिल चुकी है. तो कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए कि क्या जॉनर होगा. मैं अभी तो सर के पास है सब कुछ, तो अभी तो बताएंगे. चलिए जाते आते हमने देखा कि आप लोग गाना भी बहुत ही अच्छा गाते हैं. जी आपको किसने किसने ये आपको अफवाह किसने फैलाई है? देखिए मैं इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. तो टू ऑल द कैमराज, ओके. तो मुझे पता नहीं था मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी. बट फिर भी एक्टिंग हो गई ना और काम चल गया ना, तो इसी हिसाब से मैं गाने का भी मुझे भी पता नहीं है. बट अगर आप मुझे ट्राई करेंगे तो शायद से मैं गा भी लूँ और ऑल द अदर थिंग्स. ये गाती है ना, ये इनका होता था ऐसा जब कुछ रोमांटिक हम लोगों के सीन्स होते हैं तो हम लोग उस मूड में रहते थे. तो आमतौर पर ये अपने वहाँ पर बैठ के गाती थी. तो ये जब गाती बहुत अच्छा गाती है ये. किसने सुना है आपको? I think पापॉन बहुत नाराज होंगे कि ये क्या कर रहे हैं. अभी अभी जो हम गा रहे थे ना, अभी शुड सिंग गा रहे हैं. No, we should sing our songs of our film. इसमें एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है फिल्म के अंदर, ताज सॉन्ग. मैं वो बहुत अमेजिंग गाना है, वो मैं नहीं गा पाऊंगा. सारे के सारे ट्रैक्स आपने सुने होंगे जो साउंड ट्रैक में जो है, ब्यूटीफुल म्यूजिक. संदेश चांडिल्या ने बहुत अच्छा काम किया है, पापॉन ने बहुत अच्छा गाया है, श्रद्धा जो सिंगर है शी इज वेरी यंग, 18 इयर्स ओल्ड, और बड़ी अच्छी खूबसूरत मैच्योर्ड आवाज़ है उनकी. तो इट्स ब्यूटीफुल यार. अब हम लोग उनका डिसरिस्पेक्ट कर जाएंगे. दे दिया है तेरी वफा ने मुझे. क्या मुर्की लगे. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू.
वो अभी बिल्कुल खाली बर्तन की तरह उनमें कुछ भी भर दो, इट्स अमेजिंग द वे दे अंडरस्टैंड द वे दे रिएक्ट, बड़ा सही रहता है, मस्ती भी करते हैं वो लोग। और हमने सुना कि आप जहाँ जहाँ गए आपकी आपकी जो आवाज की काफी तारीफ की गई। जी वो हो जाती है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मेरा जो मैं फिल्म के अंदर आया उसका दरवाजा भी आवाज ही थी, विदु सर की सोच थी, जो कैरेक्टर है शिव कुमार सर का, कि उसकी एक सर्टन एक तरीके की आवाज़ होगी, तो वो आवाज़ के जरिए उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर उसके बाद सारे ऑडिशंस हुए, सारी ट्रेनिंग हुई, फिर इवेंचुअली कुछ महीनों के बाद उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ ये शिव कुमार सर है, लेकिन शुरुआत आवाज़ से ही हुई। सो आई एम ग्लैड कि लोगों को आवाज़ पसंद आ रही। तो अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आप लोगों को, लाइक फिल्म को जो जो लोग देख रहे हैं आपसे, लोग मुलाकात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी देखकर आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? सारे कॉम्प्लीमेंट बेस्ट हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतनी तारीफें सुनने को मिल रही है। और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो फिल्म हमने बनाई है उसमें मुझे एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जेम्स कैमरॉन से मास्टर।